प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मच्छर हीरो लग रहा है, हीरो हीरो नहीं बापूजी, सुपर हीरो लग रहा है मेरा बेटा, सुपर हीरो। तो पापा, आप मुझे लेकर एक सुपर हीरो की फिल्म बनाओ ना। अरे एक क्या बेटा, तीन तीन सुपर हीरो की फिल्म मैं तुझे लेके देखने जा सकता हूँ, बना नहीं सकता बेटा। क्यों पापा? अरे बेटा, फिल्म विलम बनाना हमारा काम थोड़ी है, ये अपनी लाइन ही नहीं है, नहीं बापू जी। हमेशा कहती है कि इंसान को कभी भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। हर बात पे मेरे पूज्य सासु माँ की कोई ना कोई टिप्पणी तो होती ही है, नहीं? हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती है। दया दया दया, मैं क्या कहता हूँ, मेरा एक संदेश तुम्हारी माँ तक तुम पहुँचा सकती हो? हाँ जरूर। तो प्लीज मेरी तरफ से उनको संदेश देना कि वो जो कुछ भी कहते हैं वो कहे नहीं, एक कागज पे लिख के रखे। तो मैं क्या वो सारे कागज इकट्ठा करके उसकी एक दर्दार बुक छपवाऊंगा, उससे क्या होगा कि उस बुक का लाभ पूरी दुनिया उठा पाएगी। अरे वाह टुबुके पापा, ये तो बहुत अच्छा विचार है। तो फिर मैंने तो बुक का नाम भी सोच कर रखा है, क्या क्या? माँ का ज्ञान। माँ का ज्ञान, वाह। नाश्ता तैयार हो गया? हाँ हाँ तैयार है। जल्दी जल्दी दादाजी, ये गॉगल्स पहनी ना। अरे मेरा चश्मा दे। अरे ये पहनना पहले। अरे ये क्या पहना रहा है मुझे टप्पू, मेरा चश्मा दे वापस, मुझे चश्मे के बगैर बराबर दिखाई नहीं देता है, पता है ना तुझे। वाह दादाजी वाह, आप तो एकदम सुपर दादाजी लग रहे हो, है ना पापा? अरे अरे मस्त लग रहा है बापू जी। एक मिनट एक मिनट, मैं फोटो खींचता हूँ मोबाइल में।
हाँ। भाई मुझे बराबर दिख नहीं रहा है। इधर देखिए। टप्पू उधर से अच्छा आएगा फोटो, वहां से खींचता बाबूजी का फोटो, हाँ। यहाँ से बराबर। दादाजी स्माइल स्माइल, हाँ ले एकदम बड़ी वाली और बड़ी, हाँ। थैंक यू, जरूर बेटा जरूर। स्माइल दादाजी। हाँ हाँ। दया। दादाजी अभी एक बड़ी वाली स्माइल। अरे टप्पू बस कर बेटा अभी। और यो करो ऐसे, यो 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 करो दादाजी, यो यो। बापूजी आप गूगल में बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ हाँ। से बराबर और एक दादाजी अभी ऐसे ऐसे रखो ऐसे ले, हाँ हाँ। अरे टप्पू बास कर भाई, कितनी फोटो खींचेगा। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, अरे टप्पू और खींच बाबूजी, खींचना तो उसका काम कर, बाबूजी को बालकनी में लेकर जा, हाँ और बढ़िया से फोटो निकाल, हाँ जा। हाँ चलो दादाजी। अरे नहीं भाई नहीं, बस बस बहुत हो गया। टप्पू मुझे चश्मा दे, मुझे बराबर दिखाई नहीं दे रहा, चश्मा दे मेरा। हाँ दादाजी। अरे चश्मा किधर गया? है? मैंने तो यहीं पर रखा था। है? चश्मा खो गया? अरे बराबर ढूंढ टप्पू ने, यहीं कहीं होगा, और कहाँ जाएगा। अरे ये क्या बेटा, ये क्या इधर? मिला चश्मा, मिला 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 बापूजी, मिला। अरे तो देना भाई। टप्पू मेरा मुंह क्या देख रहा है, बापूजी को चश्मा दे जल्दी। काज करे। अरे मेरे चश्मे में से काज कर गया। टप्पू बापूजी का चश्मे का काज कर। कांच में से दिख रहा, भूल गया मैं। मेरे चश्मे का कांच तेरे पास कहाँ से आया? दादाजी लगता है पापा आपके चश्मे पे बैठ गए होंगे। तू मेरे चश्मे पे बैठ गया? बाबूजी क्या हुआ, वो मोबाइल में आपका फोटो खींचने गया ना, तो मुझे मालूम नहीं था इसने आपका चश्मा इधर सोफे पे रखा था, तो गलती से मैं बैठ गया, कांच निकल गया। भूल से, गलती से हो गया। आप चिंता मत कीजिए, लाइए लाइए लाइए, मैं अभी उसमें एक कांच डाल देता हूँ। लाइए लाइए बाबूजी, लाइए। एक सेकंड में हो जाएगा, एक दो बार पहले भी मैंने ऐसा किया है। फिर ये क्या हुआ दादाजी, पापा ने आपके चश्मे का कांच तोड़ दिया। नहीं नहीं तोड़ा नहीं है, और कांच मेरे हाथ से गलती से छूट गया, तो कांच अपने आप टूट गया। बापूजी बाबूचा कहीं का मुझे आ ले 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 उठा उठा। बाबू जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी एक दूसरा कांच इसमें अभी का अभी फिट करवा के लाता हूँ। बाबू जी तब तक क्या मैं बिना चश्मे के घूमूंगा? चल मैं भी आता हूँ तेरे साथ। दादाजी
बापूजी संभालिए। बापूजी आप बैठिए, बैठिए बापूजी। अरे बैठा ही तो हूँ मैं। मतलब बापूजी आप शांति से बैठिए, आपका एक दूसरा चश्मा है ना, मैं वो लेकर आती हूँ। खड़ी क्या, जल्दी लेके आ, लेके आ जल्दी। जा 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 जा। सॉरी सॉरी बापूजी। कल पकड़ जाओ दबो। चश्मे का कांच तोड़ दिया, पेपर का बॉल बना के घर में खेलता है। ठंडो पापा। दया जल्दी चश्मा ला। ये लीजिए। हाँ, अरे बापूजी को दे। हाँ, बापूजी। दिखता है मुझे? बस वही चेक कर रहा था। ला वो चश्मा दे। एक मिनट, एकदम संभाल के बापूजी, संभाल के आपको दे रहा हूँ। हाँ। चल अभी के अभी दुकान में चलते हैं और इसमें नया कांच डलवा देते हैं। चलिए आइए। नाश्ता नहीं करना है बाबूजी? एक दो मिनट फटाफट नाश्ता कर लेता, फिर दोनों साथ में चलते। हाँ? जल्दी 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 लेके आ, जल्दी जल्दी। दादाजी मैं नीचे खेलने जा रहा हूँ। पापा। अरे हाँ बेटा, थैंक यू। थैंक यू क्या चापला। मैं लेता हूँ बाबूजी। ए भाई तू रहने दे, तू वहीं बैठ जा, फोन मैं उठाता हूँ वरना फोन भी तोड़ देगा। बैठ जा। हेलो कौन? हाँ बोल बोल सुंदर बोल। हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ मजे में है। हाँ देता हूँ बापूजी। मैं नहीं हूँ बोलो। अरे तुझे कौन पूछ रहा है भाई? बहू। हाँ आई। हाँ बापूजी। सुंदर का फोन है। सुंदर। हेलो। हाँ सुंदर कैसा है तू? हाँ वीरा कहाँ है तू? कितना टाइम हो गया तू मुंबई आया ही नहीं। हाँ 10 मिनट में यहाँ रहा है। अरे बाप रे सुंदर, पनौती घर पे आ रहा है, फिर तो मुझे टैक्सी का भाड़ा देना पड़ेगा। नहीं नहीं नाश्ते के लिए रुकना जेब के लिए हानिकारक हो जाएगा। नहीं एक एक मिनट, वो मैं भूल गया, एक पार्टी को मैंने दुकान पर बुलाया है तो वो आके राह देख रही होगी, तो मैं निकलता हूँ। ठीक है आइए बाबू जी। आई अरे अभी नाश्ता महत्व का है कि काम धंधा है बाबू जी? काम धंधा। तू मेरी चिंता मत कर, तू सुंदर से बात कर, मैं दुकान में नाश्ता कर लूंगा। बात कर बात कर। आइए बाबूजी। कहाँ तक पहुँचे? अरे संभाल। क्या नहीं आ रहे हो? मजाक कर रहे हो? सुंदर ऐसे थोड़ी होता है। पर ये क्या? जेठिया चल चलो चलो। ये रहा आपके हस्बैंड के डॉक्टर। ओके थैंक यू सो मच। और आपके लिए कुछ नहीं लेना? ठीक है दिखाइए कुछ। एक मिनट। दिस वन। ये आजकल बहुत डिमांड में है, बहुत चल रहा है मार्केट में। नहीं नहीं ये बहुत गॉडी है। समथिंग एल्स प्लीज। मुझे दूसरा कुछ दिखाइए। अच्छा शो मी दिस वन। संभाल दादर। बबीता जी बबीता जी। हाँ नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। आप लोग यहाँ? हाँ वो मेरा चश्मा रिपेयर करवाने के लिए आए। ये मेरे चश्मे का कांच टूट गया, ये जेठिया मेरे चश्मे पे बैठ गया। नहीं नहीं वो क्या हुआ बबीता जी, वो मुझे पता नहीं था टप्पू ने बापू जी का चश्मा सोफे पे रखा था, मैं गलती से बैठ गया तो तभी क्या चश्मे में से खाली कांच निकल गया, तो मैं दौड़ आया वो कांच के अपने आप से फिट करने गया तो हाथ से छटक गया, नीचे गिर के टूट गया। ओके अरे भाई इसमें कांच डालना। हो जाएगा चाचा जी। हाँ। बिल्कुल लग जाएगा। विजय ये लेके जाओ, कांच लगवा दो और चाचा जी को भी ले जाओ, उनका नंबर चेक कर लेना। आइए चाचा जी। आइए बापू। आइए अंदर आइए। और बबीता जी आप यहाँ? बस बबल दिखा दिखा इनका कुछ। हाँ ये
ये बहुत ही बढ़िया पीस है, ये आपको बहुत अच्छा सूट करेगा, लीजिए। देखो, हाय मैं मर जाऊं। वाह वाह बबीता जी, एकदम हीरोइन लग रहे हैं आप। मैं तो कहूंगा ये चश्मा आपके चेहरे पे आके धन्य धन्य हो गया। दिस इज नाइस बट इसका फ्रेम जरा लूज है। मैं आपको बोलने ही वाला था कि बबीता जी आपको ये चश्मा थोड़ा लूज नहीं लग रहा है। एक काम करो भाई, वो वाला दिखा। जी जी जी, वो ऊपर से चौथा है ना वो। हाँ हाँ वो, हाँ वो। लेकिन मैडम ये पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। अरे भाई मैं कौन सा बोल रहा हूँ, तुम कौन सा समझ रहे हो? वो पहले लाइन में जो चौथा है ना, वो बोल रहा हूँ मैं। दिस वन। हाँ हाँ दिखाना। वेरी सॉरी, ये लीजिए। दिस इज नाइस। देखा, अरे भाई ओ चश्मा कब तक मिल जाएगा? कल तक मिल जाएगा। पक्का कल तक मिल जाएगा ना? पक्का मिल जाएगा। पैसे कितने हुए? 600। बाबूजी आप रहना तो मैं देता हूँ ना। तो तुझे ही देने, लेकिन अभी नहीं देने, वो कल चश्मा देगा उसके बाद देने। क्यों भाई? अच्छा जी, आप ही का दुकान है। और भाई मैं क्या बोलता हूँ बापू जी को, और 3-4 इम्पोर्टेड एकदम फर्स्ट क्लास फ्रेम देखो। बापू जी 3-4 और चश्मा करवा ही लो। अरे देने देना भाई, क्यों फालतू का खर्चा करना है? ये दो चश्मा तो है ना, है? और जरूरत होगी तो मैं आके बनवा लूंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैम ये करेक्ट है? ये बहुत अच्छा है। कितने का है? 2200। ओके कूल, आप इसे पैक कर दीजिए और बिल दे दीजिए। जी बिल्कुल। बिल मुझे देना, मैं दे दूंगा। जेठा जी आपको बिल देंगे? अरे जेठा जी बिल क्यों नहीं देंगे, आपने मेरा 3-3 फ्रिज बिकवा कर मुझे इतना बड़ा फायदा करवाया है। तो बापू जी आप ही बताइए, मुझे बबीता जी को गिफ्ट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? जेठा सही कह रहा है। तो फिर? हाँ पर वर कुछ नहीं बबीता जी, देखिए अभी बापू जी ने भी बोल दिया, अभी वडिल का मान तो रखना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं बोलेंगे है? भाई बिल मैं दूंगा। हाँ एक काम करो, सबका साथ में दे दो, मैं सब दे दूंगा साथ में। बिल्कुल एक मिनट। अरे जेठा मैं क्या कह रहा हूँ, अभी यहाँ तक आया हूँ तो वो नाग जी है ना, वो पास में ही रहता है, तो उसको मिलके फिर घर चला जाऊंगा। वाह बाबू जी, मतलब नाग जी का आपको देख कर खुश हो जाएंगे ना, इसलिए वाह। चलो बबीता बेटा। बाबू जी बबीता जी नाग जी का घर पे क्या करेंगे? बाबू चक आओ जो करा तो। हाँ 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 आओ जो बोल रहे हैं बापू जी। आओ जो चाचा जी। आओ जो आओ जो। अरे आओ जो। चल जाएगा बोलो बापू। ये लीजिए आपके कागज। हाँ बिल बिल इधर दो भाई। हाँ कितना हो गया? 8800। 8800 कैसे? चाचा जी के चश्मे के 600, मैडम के गॉगल्स के 2200 और इनके हस्बैंड के गॉगल्स के 6000, कुल मिला के 8800। जीठा जी बिल मैं दे देती हूँ। अरे क्या बोल रही है बबीता जी, अब बिल तो मैं ही दूंगा, उल्टा मैं तो कहता हूँ और 3-4 गॉगल आपको पसंद हो तो ले लो। अरे नहीं नहीं थैंक यू सो मच। तो मैडम आपके हस्बैंड के लिए 2-4 और ले लीजिए। अरे भाई आपने इनके हस्बैंड को देखा है? बहुत सीधे है बेचारे, उनको ऐसा फैन फतुर पसंद ही नहीं है, ये एक लिया है ना वो भी मुश्किल से पहनेंगे। 8800 ना? हाँ एक देता हूँ। जीठा जी ये आपने अच्छा नहीं किया। बबीता जी प्लीज प्लीज, मुझे पता है बबीता जी मैंने अच्छा नहीं किया, मेरी तरफ से अय्यर भाई को 6000 के गोगल की गिफ्ट, और आज तक मैंने अपने लिए 2000 के गोगल भी नहीं लिए, 2000 का क्या गोगल ही नहीं लिया। चलो कोई बात नहीं, आप खुश हैं ना? अभी कुछ मत बोलना बबीता जी प्लीज, आपको मेरी कसम कुछ मत बोलिए प्लीज, क्या ले लीजिए। जीठा जी आप ही ना।
दोस्तों कल्पना कीजिए, आप सड़क क्रॉस कर रहे हो और अचानक पीछे से कोई जोर से हॉर्न बजा दे, आप किस तरह चौंक जाएंगे? ठीक वैसे ही मेरे मित्र जेठालाल चौंक गए हैं बिल को देख के। भाई इसे कहते हैं सीधी आंखों पे उल्टा चश्मा पहनना या फिर आंखें ही उल्टी हो जाना। भाई क्या करे मेरे मित्र जेठालाल, किस्मत है ऐसी। मुझे तो लगता है उनकी किस्मत बिल्कुल सफेद कपड़ों की तरह है कि दांत तो लगना ही है साहब। अब देखिए तो अगर इस गिफ्ट को अय्यर देखेंगे तो फिर क्या हाल होगा। हाँ, अय्यर और जेठालाल की मित्रता तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल पेट्रोल और माचिस की तीली की तरह है, यानी कि धमाका होना अवश्यम भावी है। धमाके होंगे जरूर लेकिन हंसी के, बस हंसते रहिए, ठहाके लगाइए और मेरे साथ देखिए तारक मेहता का उल्टा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.